तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 7.5 kV स्टेबलाइजर के बारे में। तो दोस्तों इसका हम प्राइस जानेंगे और इसके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे कि इसमें आपका मैनुअल और मेनू अप, और यहाँ पर आपको दिखा दूँ यहाँ पर नीचे आपका डाउन, और इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल में डीजे से रिलेटेड। तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजे रॉक चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर पगरिया का ये बॉडी आपका मैंने बनवाया, इसको अपने मार्केट से मैंने बनवाया, आप भी बनवा सकते हैं। इसका प्राइस मैं आपको वीडियो को एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। यहां पर ऑटो कट, यहां पर पावर, जब आप स्टेबलाइजर को ऑन करेंगे यहां से तो ये पावर आपका जलेगा, और अगर यहाँ पर वोल्टेज आपका हाई हो जाएगा तो यहाँ पर ऑटो कट शो कर देगा, मतलब रेड बत्ती, यहाँ पर आपका रेड बत्ती यहाँ पर शो कर देगा। यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ डिटेल जान लें दोस्तों। यहाँ पर अप मतलब कि अगर हमारे स्टेबलाइजर में अगर लाइट कम आ रहा है, मतलब कि लाइट कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम अप से यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, मतलब वोल्टेज को हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर ज़्यादा वोल्टेज है, मतलब 300 या फिर 250 या फिर जो भी है, तो अगर हमें कम करना हो तो यहाँ पर हम करेंगे डाउन में, यहाँ पर नीचे आपको दिखा दूँ, यहाँ पर डाउन में करेंगे और इसको हम बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है नीचे आएगा। और जो ये मेन, मतलब कि मेन लाइट है, ये मेन है, इसमें अगर हमारा रहेगा तो जितना लाइट आ रहा है उतना ही आपका शो करेगा और उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, मतलब इनपुट जितना आ रहा है आउटपुट भी उतना ही देगा। और यहाँ पर ऑटोमेटिक में, यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है ये वाला, ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक में अपने आप ही वोल्टेज को कम ज़्यादा मतलब करेगा स्टेबलाइजर। यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 300 वोल्टेज आ जाता है समथिंग, मान लीजिए तो यहाँ पर अगर 300 वोल्टेज आ जाता है तो ये अपने मतलब कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा वोल्टेज जो है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा 200 या 220 मतलब हो जाएगा। अगर यहाँ पर 150 वोल्टेज मतलब कि हो जाता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 200 या फिर 200 से ज़्यादा यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर हम देख ले तो यहाँ पर 5 kV आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये है हमारा 7.5 kV का ट्रांसफार्मर, क्योंकि 5 kV का ही बॉडी में 7.5 kV बनता है। यहाँ पर पगरिया का लोगो है, तो ये पगरिया तो ये आपका बॉडी है, इससे कोई आपका कंपनी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपका एक बटन मिल जाता है, जो कि इनपुट अगर ऊपर रहेगा तो इनपुट मतलब कितना लाइट आ रहा है वो शो करेगा, आपका आउटपुट कितना हम इससे लाइट ले रहे हैं वो आपका शो करेगा। और ये आपका जो ऑटो कट है, मतलब कि ये अगर शॉर्ट सर्किट होता है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, यहाँ पर प्लस पॉइंट। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजर है, तो इसको हम डीजे में यूज़ कर सकते हैं आराम से, या फिर घर में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ईयर पास के लिए जगह दिया हुआ है। चलिए पीछे की तरफ देखते हैं इसमें कैसे कैसे हम वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पीछे हम देखें तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है इनपुट, यहाँ पर मिल जाता है आउटपुट। सीधी सी बात है, इनपुट में हम लगाएंगे लाइट, मतलब कि जैसे जनरेटर से अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर देंगे और यहाँ से हम लेंगे, मतलब कि ये हमारा बोर्ड में जाएगा या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चलाने के लिए या फिर कोई भी चीज़ चलाने के लिए यहाँ से हम लेंगे कनेक्शन। और इसमें अगर मान लीजिए लाइट से अगर करना हो तो यहाँ पर हम लाइट देंगे और यहाँ से हम लेंगे लाइट। सीधी सी बात है, यहाँ पर इनपुट करेंगे, यहाँ पर आउटपुट हम लेंगे। यहाँ पर ईयर पास का जगह दिया हुआ है और यहाँ पर साइड में भी हमारा ईयर पास का जगह मिल जाता है। तो हमारा यहाँ दोनों साइड हमारा ईयर पास का जगह मिल जाता है, यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए जगह भी मिल जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सभी बारे में मैं आपको बता दिया स्टेबलाइजर के बारे में, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं इसको प्राइस, आपका प्राइस मतलब कि मैं इसका प्राइस बता दूं, 7.5 kV का, तो 7.5 kV का आपको पड़ जाएगा 9,200 रुपये अप्रोक्स प्राइस है, मेरे मार्केट में 9,200 में बन जाता है। कॉपर का आपका स्टेबलाइजर है, एल्युमिनियम में आपका तो सक्सेस नहीं होगा डीजे के लिए, आपको लेना हो तो
कॉपर में ही मतलब बनवाइएगा या फिर लीजिएगा। तो यहाँ पर 7.5 kVA का 9200 अप्रोक्स प्राइस, मतलब मेरे को 9200 पड़ा है, लेकिन मैं आपको अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ कि मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपके मार्केट में अलग प्राइस हो सकता है, हमारे मार्केट में अलग प्राइस हो सकता है। और इसका वेट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो आपका वेट लगभग हो जाता है 23 किलो 24 किलो, मतलब 24 किलो पड़ जाता है, लगभग 24 किलो बन जाता है हमारा 7.5 kVA का स्टेबलाइजर, 24 kg बन जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 24 kg मतलब लगभग आपका बन जाता है 7.5 kVA का स्टेबलाइजर। और यहाँ पर 5 kVA का स्टेबलाइजर लगभग 18-19 लगभग बन जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डीजे से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल में। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा वीडियो, इस चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।